जी खवातीन हज़रात, वापस आ गए हैं। मुझे मालूम है आप चैनल से दूर नहीं गए होंगे, बहुत शुक्रिया। तो गुल राना, आपसे बात हो रही थी, मेरे जहन में एक बात ये आई है कि आजकल के जो ड्रामे हैं, ज़ाती तौर पे मैं ड्रामे बहुत कम देखता हूँ, बिल्कुल देखता ही नहीं हूँ। तो फिर आप ड्रामे पे बात क्यों कर रहे हैं? मैं अपने घर वालों की वजह से बात कर रहा हूँ। जैसे आप ड्रामा करती हैं, लेकिन आप बाकी और शोबों को से भी बात करती हैं। इस बारे में आपसे जो आपने बात की बोलते हैं, बोले मैं वो करती चली जाऊँ। मुझसे कुछ कॉल आई मेरे पास कि जी मेरे बेटे जो हैं वो ड्रामा आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी अच्छा, टाइम दे दें, टाइम दे दें। बड़ा उन्होंने टाइम लेके, खैर मैं उनके पास चली गई कि हमारे पास अगर कोई अच्छे लोग पढ़े लिखे आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो मैं गई हूँ तो दो लड़के थे, तो एक ने तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आना चाहता हूँ, मैं ड्रामे भी देखता हूँ। दूसरे बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ बेटे आप किस तरह से ड्रामे में आना चाहते हैं और आप क्या क्या ड्रामे देखते हैं? उन्होंने कहा जी बड़े उससे कि जी सॉरी मैं ड्रामे नहीं देखता। मैंने कहा सॉरी, फिर आप ड्रामे में आ भी नहीं सकते। सही, अच्छी बात है। तो जो चीज़ आप देखते नहीं है उसके बारे में फिर आप नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल, लेकिन मैं एक और नज़र से देखता हूँ, उसी नज़रिए से, उसी नज़र से, नज़रिए से नहीं, उसी नज़र की वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आजकल जो पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत देखता हूँ, चले वो सास बहू और फलाना और उसकी शादी हो गई, फिर वो टूट गई, फिर एक और से शादी हो गई, फलाना, तो ये हकीकत पे मबनी है पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है या सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से इस किस्म की स्टोरीज चल रही है? पाकिस्तान ही क्या, पूरी दुनिया में ऐसा चले दुनिया तो आप समझते हैं कि वो पॉपुलैरिटी की वजह से वो बनता है जो उस वक्त सिनेरियो चल रहा होता है। ड्रामा कभी आप नहीं देखेंगे, अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। ड्रामा हमेशा वही बन रहा होता है जो उस वक्त आपका सिनेरियो चल रहा होता है। और आप देख लीजिए हालात क्या जा रहे हैं, शादी की खबर पहले आती, तलाक की खबर बाद में, तलाक की पहले आती, तलाक की पहले आती, शादी की खबर बाद में आती। तो जो हालात चल रहे होते हैं ड्रामा जो है वो हकीकत पे हमारे बहुत हमारे ज्यादा हमारा ड्रामा क्यों मशहूर है, इसलिए कि वो हकीकत पे मबनी होता है। क्योंकि उसको हम अगर मावराई ड्रामा पेश करने लगेंगे तो वो कभी पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये टीवी एक ऐसा मीडियम है, टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो मासेस के लिए भी उतना ही अहम है जितना एलीट क्लास के लिए, जितना मीडियोकर्स के लिए। टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो सबके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना एक क्लास के। अच्छा, एक मेरी ख्वाहिश जनाब, हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं, मैं दुनिया को चीख चीख के बताना चाहता हूँ कि भाई उनसे बेहतर आर्टिस्ट कोई नहीं है, वो कमाल के लोग हैं। तो सबको पता, ठीक है, पता तो है, जानते नहीं है, नहीं, या जानते हैं तो मानते नहीं, नहीं, नहीं है। अच्छा, आप शो बिजनेस में हैं, मुझे मालूम है कि आपका एक शोबा है कि आप ड्रामे करती हैं। मेरी खुशी के लिए, मेरी ख्वाहिश के लिए, स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं, और मैं एक साहब का नाम ज़रूर लूँगा, नाज़रीन आपकी आंखों में आंखें डाल के, जावेद आफ्ताब इकबाल साहब एक साहब हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको शाबाश दूंगा और शुक्र अदा करूंगा उनका कि उन्होंने स्टेज के आर्टिस्ट को प्रोग्रामों में लेकर आए और उनके रोजी रोजगार का, जो भी आप समझ सकते हैं, बेहतर हालात किए हैं कि वो आए। अब आपसे सुनूंगा एज ए प्रोफेशनल, रोजी रोजगार अपनी जगह, लेकिन वो सब हमारे आर्टिस्ट इस काबिल हैं कमाल के कि वो हाईलाइट किए क्या जाए, वो वैसे ही हाईलाइटेड है। वो इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं, स्टेज क्योंकि एक अलग मीडियम है, टेलीविजन एक अलग मीडियम है, फिल्म एक अलग मीडियम है, तो लेकिन अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो उसमें से एक कमाल चीज़ निकली है, जो कि आफ्ताब इकबाल, जैसे शहजाद साहब ने कहा, आफ्ताब इकबाल साहब ने ये एक ट्रेंड डाला है कि हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं उनको लेके साथ एक प्रोग्राम करते हैं। अब आप देखिएगा, अब आप देखें हर चैनल पे कम अज़ कम एक नया प्रोग्राम उनके साथ जरूर, ट्रेंड लगा दिया उस शख्स ने और वो चला, ट्रेंड सेटर। यस, चले थोड़ा सा इस तरफ बात करते हैं। एक वक्त था जब इंडिया के ड्रामे देखे जाया करते थे पाकिस्तान में, एक वक्त था, मैं अपनी उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ऐसा तो कभी वक्त मेरे ख्याल में, लेकिन फिर ऐसा हुआ, चले हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इंडिया के ड्रामे कभी भी टीवी के ड्रामे कभी भी नहीं है। कभी एक वक्त था बीच में जब उनके वो सोप्स वगैरह जो कुछ ऐसे चलते थे, लेकिन कभी भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, अप्रिसिएशन नहीं मिली इंडिया के ड्रामे। देखे जाते थे ना, देखा तो बड़ा कुछ जाता है, देखा तो टर्की ड्रामे भी जाते हैं, देखा नहीं, वो तो डब करके दिए जाते हैं। मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हमारे पास, क्योंकि हमारा एक कल्चर समझ ले ऑलमोस्ट एक है, चीजें जबान सबसे बड़ी बात है, जबान एक है, डबिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जो चीज चलेगी वो देखी तो जाएगी। पाकिस्तान के ड्रामे में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चाशनी है, ऐसी क्या लज्जत है, ये जो हिंदू हमारे अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग हैं, मैं उसको हिंदुस्तान पाकिस्तान को पॉलिटिकल नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ फनकार के लिए,
बॉर्डर्स नहीं होते फिल्म में, नहीं तो क्या नहीं ऐसा करता है पाकिस्तानी राइटर, पाकिस्तानी एक्टर्स, और वो जो देखा जाता है, वो जो हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, नेचुरल और आप जो उसको कह रही नहीं, हैं। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि आप मुझे, मैं तो खैर इस काबिल अपने आप को समझती ही नहीं हूँ, इस काबिल कभी होंगी भी नहीं कि मैं एक्टिंग के बारे में कुछ कह सकूँ, लेकिन मुझसे किसी ने पूछा कि एक्टिंग के लिए कोई टिप दें, वो मेरे साहबजादे ही हैं, उनको कोई ड्रामा करना था, उन्होंने कहा मम्मी एक्टिंग के लिए कोई टिप दें, तो मैंने कहा बेटा एक्टिंग ना करना, वाह, ये नेचुरल रहना। अच्छा बात, देखने वाला भी नेचुरल है हमारा, एक्ट वो तो करने है, वाला तो यही तो है, तो अच्छा बात हो यही रही थी। चाशनी है, ये जितने आपने लफ्ज इस्तेमाल किए वो सब का लुबे लुबाब जो है वो ये है अच्छा, कि यहाँ से नेचुरल काम तो होता है, अक्रॉस द तो बॉर्डर जो ऐसी चीज नहीं ऐसी है। चीज नहीं है, वेरी गुड। एक आपने कोई अपना अभी मतलब सो के उठ के एक औरत जो है वो पूरे मेकअप मेकअप में, इतने सारे जेवर में, इतनी सारी कैसे हो सकती है? हमारे पास जो है वो ड्रामा जो है ओरिजिनल शक्ल में है। हमारे तो अच्छी बात है कि सोते हुए जाते हुए मेकअप होता है, नमाज नेचुरल होते हैं। वही तो मैं आपसे अच्छा कह रही बात हूँ, हो रही थी, आपने एक वाक्य सुनाया था बच्चे का जो फिल्म है, वो उसमें आर्टिस्ट बनना चाह रहा था, बेटा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और अभी आपने अपना कहा कि आपके बेटे ने, तो उसका ये नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मेरे ख्याल में मेरा बताना तो तहकीक की बात हो जाएगी कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन सब लोग ज़्यादातर जानते हैं कि आसिम अज़हर, जो कि आजकल मेरे ख्याल में यंग जनरेशन में और यंगर जनरेशन में बहुत ही पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे कहने से, वो और अल्लाह मियाँ उनको और तरक्की दे और नाम दे उनको, ये जो गुलेर राना साहिबा हैं ये उनकी अम्मा हैं, और वाकई में अम्मा हैं, वालदा भी हैं, अम्मी भी हैं और अम्मा भी हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ज़रा आसिम अज़हर के बारे में, और एक मैं आपसे क्रिटिकल सवाल ज़रूर करूँगा आपके जवाब के बाद, कि आसिम अज़हर जो है उसने जो है ये सिलसिला कैसे शुरू किया और क्या क्या मुश्किलात थी उसके सामने, और अब माशाल्लाह सुना है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, मैं माँ के मुंह से सुनना चाहता हूँ, हर माँ अपने बेटे को कहती है मेरा बेटा चांद है, तो सुने ज़रा क्या कहती है। मैं उन माओं में से हूँ कि मेरा बेटा अगर चांद ना होता तो मैं उसे कभी चांद ना कहती, मुझे वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र बेटा है, तो कहती ना बेटा तो बेटा होता है, अच्छा औलाद से तो नहीं आप मुख्तलिफ ऐसी, हो सकते, लेकिन मैं उन माओं में से हूँ कि अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन आसिम अज़हर उन औलादों में से हैं कि अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ कि ऐसी औलाद पाक परवरदिगार हर माँ को दे, हर वालदैन को ऐसी औलाद दे कि जिसके नाम से वालदैन का नाम रोशन हो, वाह इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती वाह वालदैन के लिए कि आपकी औलाद वाह आपके लिए नाम का बायस बने। वाह और अब मुझे ये सुन के, कभी कहा जाता था कि ये गुले राना के बेटे हैं, अब ये जब मैं सुनती हूँ कि ये आसिम की हम वालदा हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी जो है वाह वो मैं कभी बयान ही वाह नहीं कर सकती, अपना तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं शोबिज़ में भी हूँ या कुछ भी है, एक वाह अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया हुआ है, और पैशन जब आपका पैशन आपका काम बन जाए तो उससे ज़्यादा क्या बात होती है, इससे अल्लाह के क्या शुक्र और हम अदा करेंगे, लेकिन आसिम की जहाँ तक बात है, माशाल्लाह से हर तरह से वो एक फरमाबरदार बच्चा है, आजकल के दौर में ऐसी औलाद होना मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही उम्दा स्टूडेंट आसिम अपनी ज़िंदगी में रहे, 98% लेना उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती थी, वो उन स्टूडेंट्स में से रहा है कि जो किताब को ऐसे देख के जाके इम्तिहान दे देता था, तो माशाल्लाह, एक दिन आया वो मेरे पास कि अम्मा ये देखे मैंने गाना बनाया, मैंने कहा अच्छा, मैं किसी काम कर रही थी, मैंने हेडफोन्स लगा के गाना सुने, गाना कुछ काबिल तारीफ ही था, तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा ठीक है बनाया होगा, थोड़े एक हफ्ते बाद फिर वो दूसरा गाना लेकर आ गया कि अम्मा मैंने ये भी गाना बनाया, तो मैंने कहा बेटा आप ये गाने बना रहे हैं तो आप पढ़ेंगे किस वक्त, तो उसने कहा अम्मा आई वॉन्ट टू डू म्यूज़िक, तो मैं मुख्तसर मुख्तसर बता रही हूँ, तो क्योंकि मैं उन वालदैन में से हूँ कि जो अगर बच्चे औलाद आपकी कुछ करना चाहें तो उनके आड़े ना आए, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, तो मैंने उससे फिर ये कहा कि मैंने कहा बेटा अगर सीरियसली अगर आप म्यूज़िक करना चाह रहे हैं तो फिर म्यूज़िक को सीरियसली करें, तो फिर अब ये मैं कहीं भी कोई मेरी बात का ये मकसद ना ले कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है या कुछ भी नहीं, मेरा मानना सिर्फ ये है कि जो काम भी करें दिल से करें, और ये मुझे मेरे वालिद ने सिखाया, ये मैंने अपने वालिद से सीखा, आप अगर मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी काम अगर आप ले लें और उसी पे आप अपना फोकस रखें तो कोई वजह नहीं है कि आप उसमें तरक्की ना करें, लेकिन हाफ हार्टेडली अगर आप ये भी कर लें, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो फिर आप एक क्या चीज़ बनेंगे, सही बात तो है, इस चीज़ में मैं ज़रूर कहूँगी जो कि आसिम भी अपने हर इंटरव्यू में कहता है कि मैंने उसका भरपूर साथ दिया,
फिर मैंने उसे ये जरूर कहा कि ठीक है बेटे, अब मैं तुमसे डिमांड नहीं करूंगी कि तुम 99% लाओ या कुछ लाओ, तुम्हें अगर म्यूजिक करना तो फिर म्यूजिक उस पाए का करना, हंड्रेड कि परसेंट फिर तुम सही। जो है वो अच्छा, उसी का मैंने नाम सुना है कि लगाओ। वो गाने में तो खैर माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, सुना है कि वो अदाकारी भी करते हैं। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है कि आपको अल्लाह ताला वो मुकाम दे दे कि फिर आपके लिए बाकी काम जो है वो मसाइल नहीं रहते। तो मैं हमेशा से आसिम को ये कहती हूँ कि बेटा सिवाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के और कुछ ना किया करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको इतनी उम्र में इतना नाम दिया है कि आप जिस चीज़ को चाहे माशाल्लाह आपकी अप्रोच में है, लोग अब माशाल्लाह, आपको अप्रोच करते हैं बजाय इसके, तो ये अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई हमारी आपकी किसी की बड़ाई नहीं हो सकती। अच्छा ये तो मेरे ख्याल में आपसे भी मैंने सुना, अभी भी यकीन आ गया, मैं भी समझता हूँ। तो वो जो अदाकारी कर रहे हैं और आगे जाएंगे, तो आप समझती हैं कि वो अदाकार अच्छे होंगे या गुलकार अच्छे होंगे, ये सवाल था आपसे। सिंगर तो उसने अपना प्रूव आप कर दिया उसने, मनवाया है, यस लेकिन ये कि कोई किसी भी चीज़ की कोई हद नहीं होती। अगर ये कह दिया जाए कि जी बस दिस इज़ द एंड, नहीं ऐसा नहीं है। सही। कहाँ तक जाता है वो, कहाँ तक उसका फन उसे लेके जाता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जितनी मेहनत करेगा उतना उसको अल्लाह ताला फल देगा। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है, जो मैंने उसकी एक्टिंग देखी, तो बस वो उसी ने मुझसे पूछा था कि अम्मी कोई एक्टिंग के बारे में टिप दें, तो जो मैंने उसे टिप दिया, मैंने कहा बेटा एक्टिंग ना करना। एक्टिंग ना तो जब करना, उसने उस पर अमल किया तो आई थिंक कि वो अदाकारी ना एक्टिंग में करना। भी जो है वो ये जो आपके जो परस्तार हैं, फैंस हैं, मुझे मालूम है कि हर फनकार ये कहता है कि बड़ी उनकी मोहब्बत है, वो आते हैं, वो ऑटोग्राफ लेते हैं, वो गले मिलते हैं, वो सेल्फी बनवाते हैं, पिक्चर बनवाते हैं। कोई ऐसा वाकया जिससे आपको तकलीफ हुई हो कि यार ये क्या हो गया, मैं इतनी पॉपुलर हूँ और ये फलाने ये काम मेरे साथ हो रहा है, कोई ऐसा चलो वाकया चले, बता। जाते जाते नाजरीन को थोड़ा हंसाई। हाँ ये बात लोग अपनी इज्जत की बात बड़े शौक से बताते हैं, मैं अपनी इस है। वाक्य को बड़े शौक से बताती हूँ कि ऐसा भी होता है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। मैं एक रिकॉर्डिंग पे जा रही थी, सो मैं खुद ही ड्राइव कर रही थी, तो एक इशारा शायद मैंने क्रॉस कर लिया, आगे वो पुलिस वाले हमारे जो है वो एज यूजल उन्होंने रोक ली गाड़ी। और मैं बड़े इत्मीनान में थी कि जी मैं तो टेलीविजन आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो लोग देखते हैं तो ये मुझे देख के छोड़ देंगे। अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं शूटिंग पे जा रही। जी कौन सी शूटिंग पे जा रही? मैं कहा जी मैं ड्रामा शूटिंग पे जा रही। उन्होंने वो कहा समझे हाँ, कोई और शूटिंग पे जा मैंने रहे हैं कहा आप। हमने तो कभी नहीं देखा। तो बस अब मैंने क्या किया उसके जवाब में ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये कि बस मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करके और जो है वो चली गई। तो ये और एक सबसे अच्छा कब लगा जब कोई परस्तार आपके पास आया? बस अच्छा तो हर वक्त ही लगता है। कोई अच्छा भी मुझे हैरानी तब होती है, मैं वाकई हैरान होती हूँ जब छोटे छोटे बच्चे आके अपने वालदैन को बताते हैं कि अम्मी देखे, तो बड़ी हैरानी होती है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी, वो किसी भी शोबे से हो, जरूरी नहीं कि इससे शो बिजनेस से हो, जब वो पॉपुलर हो जाते हैं, जब वो मशहूर हो जाते हैं, मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, फिर लोग जो ना हो, मैं तो मार्केट में भी नहीं जाएंगे, तो पर लोगों ने पकड़ लिया आके और बड़ा तंग करते हैं लोग, उनके बारे में आप क्या अपनी कहेंगी? अपनी अप्रोच होती है सर, जो जैसे चाहे एक्ट करे, इसको अच्छा, हम कुछ नहीं कह सकते। हर एक का अपना अपना हर वो एक का है, अपना अपना है, क्योंकि मैंने देखा है ये बाकायदा देखा होगा। क्रिकेटर्स को देखा है और मैं बाकायदा आपसे देखा यही है। अर्ज कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को, हर बिल्कुल हर तरह के लोगों को डील करना हमें आना चाहिए। कुछ जैसे जैसे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ शक्लें बनाई हैं, वैसे मुख्तलिफ दिमाग बनाया, जब बहुत अच्छे। मुख्तलिफ दिमाग हैं तो सोच भी मुख्तलिफ। चलें, मुख्तलिफ दिमाग, मुख्तलिफ सोच, आप अपनी सोच के हिसाब से आप कोई पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को कोई मैसेज देना चाहें, पैगाम बस जी देना चाहें। पॉजिटिव अप्रोच रखें। मेरे वालिद ने मुझे एक चीज़ सिखाई है और मैं उसी पे कारबंद हूँ कि ग्लास आधा भरा हुआ, कुछ कर ही लेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का, और इंशाल्लाह आपसे बातें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये थी गुल राना, और आप प्रोग्राम देख रहे थे हमारे मेहमान। मुझे पूरा यकीन है कि आप इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे और नए प्रोग्राम भी देखेंगे। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।